हेलो एंड नमस्ते, आप सब कैसे हैं? ऐसा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। माय नेम इज़ लता मुद्रा और आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। अगर दोस्तों आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी अपना नया नया वीडियो अपलोड करूँ और आपको सबको नोटिफिकेशन आ सके और उससे आप देख सके। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट में। वैसे आपको टाइटल से तो पता ही चल गया होगा कि आप सबके लिए मैं क्या लाई हूँ। तो मैं आपके लिए लाई हूँ कि मैं अपने घर पर ही कितने आसानी से आईब्रो शेप करती हूँ, क्योंकि आईब्रो शेप एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे फेस को एक डिफाइंड लुक दे देता है। एंड इसको मैं पिछले 2 साल से ही अपने घर पर ही कर रही हूँ, क्योंकि इससे जो कोरोना का सिचुएशन हो गया था, बाहर जाकर पार्लर एंड सैलून वगैरह में करना तो मुमकिन नहीं है एंड वो सेफ भी नहीं है। तो मैं ऐसा कर रही हूँ एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले फर्स्ट 2 टाइम मुझे क्या हुआ कि तकलीफ हुआ एंड डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन फिर जैसे मैंने अपना शेप ले पा गई तो मुझे बहुत ही आसानी हुआ। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इसको कैसे किया है। सो हे गाइस, जैसे कि देख सकते हैं मैंने क्या किया हूँ कि एक ट्वीचर ली हूँ एंड एक ब्रश एंड एक सीजर ली हूँ एंड एक मिरर ली हूँ। तो मैं क्या करूँगी, अभी देख लूँगी कितना ग्रोथ हुआ है एंड एक ब्रश लूँगी एंड इसे क्या करूँगी, मैं कॉम कर लूँगी। आपके पास ऐसा ब्रश नहीं है, आप पतला सा एक कॉम लेके भी कॉम कर सकते हैं अपने आईब्रो को। इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि कितने ग्रोथ हुए एंड कितना निकालना पड़ेगा हमें आईब्रो। तो मैं अभी क्या करूँगी कि बीच के पार्ट इसको जल्दी से निकाल लूँगी, इससे ईजी होता है बीच के पार्ट निकालना। तो इसे निकाल लूँगी मैं सारे। इसे बीच से निकालने के बाद मैं क्या करूँगी, साइड से मुझे जितने मतलब गैप चाहिए होंगे तो मैं क्या करूँगी उससे गैप कर लूँगी। तो देख सकते हैं ऐसे सारे मैंने आईब्रो निकाल देने हैं, तो ऐसे ऐसे करके मैं निकाल रही हूँ। तो ऐसे टाइप का देख रही हूँ कि कैसे निकालना है एंड ऐसे करके साइड में से अब निकालूँगी। कितने बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, कुछ थोड़े थोड़े ही हुए हैं, 15 दिन के बाद ही मैं अपना कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आसानी हो जाता है मुझे आईब्रो शेप करने के लिए एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है। तो मैं ऐसे ऐसे करके सारे मैं निकाल लूँगी एक्स्ट्रास एंड उसके बाद फिर से कॉम कर लूँगी कि कितना मतलब आसानी होगा। मैं क्या करूँगी, अभी इसे कॉम कर रही हूँ एंड उसके बाद और जो एक्स्ट्रा निकलेगा ना वो उसको भी मैं निकाल दूँगी। तो इससे ऐसे करके मैं निकाल रही हूँ। तो मैंने ऐसे ऐसे करके ट्विचर से या इसको प्लकर बोलते हैं, प्लकर से मैं सारे निकाल लूँगी अपने एक्स्ट्रास एंड ऐसे पूरा निकाल दूंगी एंड साइड से जब गैप जितने हैं उतने निकाल दूंगी। तो देख सकते हैं आप, तो ऐसे निकाल दिया मैंने अपने एक्स्ट्रास। अब क्या करूंगी, वही ब्रश एंड सीजर लूंगी। ब्रश से क्या कर लूंगी, फिर से कॉम कर लूंगी। उससे क्या होगा, जो मतलब ज़्यादा बड़े हो गए हैं मेरे आईब्रोस उससे आसानी होगी मुझे एक सीजर लेके उसको काटने को। तो ऐसे मैं क्या करूँगी, साइज़ कर लूँगी अपने आईब्रोस, तो अच्छे से एक शेप आ जाएगा एंड बॉक्स टाइप का जो आईब्रो आता है उसका भी लुक आ जाएगा। तो ऐसे करके मैं साइज़ कर लूँगी सीजर से। तो ये बहुत ही आसानी होता है, फर्स्ट सेकेंड टाइम आपको थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट होगा, उसके बाद ईजी हो जाएगा। अब क्या करूँगी, फिर से कॉम कर लूँगी, अगर फिर से एक्स्ट्रा हो गए तो उसे काट लूँगी। सो मैं क्या करूँगी, जब आईब्रो शेप हो जाएगा तो उसके बाद एक एलोवेरा जेल लूँगी, मैं अपने जो आईब्रो शेप की हूँ उसमें लगा दूँगी। उससे क्या होगा, जब जो रैशेस वगैरह है वो भी नहीं होगी एंड एक अच्छा सा मतलब रिलीफ मिलेगा। जब निकाल दी हूँ तो थोड़ा थोड़ा दर्द तो होता है हमेशा आईब्रो करने के लिए, तो इससे मैंने मसाज कर दिया अपने आईब्रोस को, तो ये ख़त्म हो गया। तो देखा दोस्तों आपने कि कितने आसानी से ही मैंने अपने घर पर ही आईब्रो शेप कर लिया है होगा। हम देख सकते हैं कि अब मैंने कुछ भी आईब्रो वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, ये मैंने जो
आईब्रो सेप किया है, उसके बाद वीडियो बना रही हूँ एंड देख सकते हैं कितने अच्छे से की हूँ एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एंड आप अगर चाहे तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। एंड आपको अगर ये आज का वीडियो मेरा हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिए। एंड ये तो शेयर के लायक होता है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि कई लोग हेल्पफुल हो सके इस वीडियो से और अपने घर पर ही आईब्रो सेप कर सके। तो गाइस मिलते हैं और एक वीडियो के साथ एंड एक और एक रिव्यू के साथ, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा एंड बाय।